नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे कि सिंपल पे लेटर में वेट लिस्ट की प्रॉब्लम क्यों आ जाती है। आखिर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लिख के आ जाता है, सॉरी सिंपल पे अनएनुअल अप्रूवल, क्रेडिट लिमिट आपके लिए नहीं दी जाएगी क्योंकि आपके लिए वेट लिस्ट में डाल दिया गया है। तो दोस्तों, वेट लिस्ट की प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते हैं, यूट्यूब पर आपके लिए सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो सटीक इन्फॉर्मेशन आपके लिए वेट लिस्ट के बारे में नहीं देते हैं। तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। वेट लिस्ट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इसके भी बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच करें, और आखिर अगर आप मेरी वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन से आसानी से लोन भी ले सकेंगे। तो किस किस स्टेप को आपके लिए फॉलो करना होगा इसके बारे में मैं कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपके लिए बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले वेट लिस्ट होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक टाइम दे दिया जाता है कि इतने टाइम बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके लिए लोन नहीं दिया जाएगा। तो वेट लिस्ट में आपके लिए क्यों डालते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके लिए वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं रीज़न की बात कर लेता हूँ कि आपकी सिटी है जो सिंपल पे लेटर है वो आपकी सिटी में सर्विस है अपनी प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है, इसके बारे में आपके लिए किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है और आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं वेट लिस्ट में आ जाते हैं। तो सिटी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर होनी चाहिए कि हमारी सिटी में जो सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन है लोन प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा है। सिटी एक होती है दोस्तों, उसमें बहुत सारे गांव वगैरह होते हैं, आप कौन सी एरिया में आते हैं कौन सी एरिया में नहीं आते हैं, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपके लिए कस्टमर केयर के लिए कॉल करना होगा। उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा कि कस्टमर केयर से आपके लिए कैसे बात करनी है, क्या क्या बोलना है। अब सेकेंड रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, अगर आप लोन लेते हैं सिटी में, आपकी अगर सिटी है, आप कोई भी बड़ी सिटी में रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं और आपकी सिटी ब्लैक लिस्ट में है मतलब होता है कि आपकी सिटी ब्लैक लिस्ट में आ गई है, मतलब कि वहाँ पर लोगों ने लोन तो लिया था लेकिन वापस नहीं किया। तो कई मतलब कि यूज़र होते हैं, मतलब कि जो सिविल की वो होती है कंपनी, वो उस एरिया को ब्लैक लिस्ट कर देती है कि इस एरिया में किसी भी व्यक्ति के लिए लोन नहीं दिया जाएगा, तो आपके लिए वेट लिस्ट में डाल दिया जाता है। एक ये भी रीज़न हो सकता है दोस्तों। और तीसरा रीज़न की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, तीसरा रीज़न आपका सिविल स्कोर डाउन है तो भी आपके लिए सिंपल पे लेटर में लोन नहीं मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, अगर मैं चौथी बात करूँ कि अगर आपका लोन सही है, मतलब कि डाउन नहीं है, 730 से ऊपर आपका लोन है, तब भी आपके लिए लोन नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों आपके लिए क्या करना है कि एक लिमिट होती है जो क्या करना है दोस्तों, कि आप इतने समय बाद लोन ले सकते हैं। दोस्तों आप क्या करते हैं, कंपनी का मेन फंडा यहाँ आता है कि कंपनी का मेन फंडा ये है कि जैसे कि उस पर उसका एक बजट होता है कि जब भी जैसे उसका बजट 30,000 रुपये है, मैं मान रहा हूँ कि 30,000 रुपये उसका बजट है और लोन उसे 100 लोगों को देना है, तो क्या करते हैं जिसका सिविल अच्छा होता है उसके लिए लोन वो देती हैं। वरना जो ज़्यादातर लोग होते हैं जिनका लोन अच्छा नहीं है, जिसकी दोस्तों पेमेंट अच्छा नहीं है करने में, 100% उनको पेमेंट उनका मतलब कि टाइम पे नहीं है, तो उनको वेट लिस्ट में डाल देते हैं। क्योंकि वेट लिस्ट में इसलिए डालते रहते हैं कि आप वेट करें कुछ दिनों का, उसके बाद दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए लोन मिल सकता है। तो ऐसे में वेट लिस्ट में दोस्तों, आपको अगर वेट लिस्ट आपके में आ गया है, मतलब कि इस प्रकार का वेट लिस्ट आ गया है, चाहे आप किसी भी एप्लीकेशन में लोन लेते हो, वेट लिस्ट की प्रॉब्लम आपके लिए आ रही है, तो सबसे पहले तो सिटी आपके लिए चेक करनी है कि वो ऐप है, जो भी लोन ऐप है, वो आपको सर्विस आपकी सिटी में प्रोवाइड करा रहा है नहीं करा रहा है। और सिटी को अगर सिटी में सर्विस प्रोवाइड करा रहा है तो आप कौन सी एरिया में रहते हैं उसका पिन कोड आपके पास होना चाहिए। उस पिन कोड को आपके लिए क्या करना है, कस्टमर केयर को आपके लिए बताना है, कस्टमर केयर आपके लिए पूरा सलूशन दे देगा कि हाँ इस पिन कोड में लोन आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी सिटी तो कन्फर्म हो गई, उसके बाद दूसरी सिटी आती है कि आप ब्लैक लिस्ट सिटी में तो नहीं आते, कहीं आपकी सिटी ब्लैक लिस्ट है और आपके लिए आप वेट लिस्ट में डाल देगा, तो आपसे पूछना कि हमारी सिटी है वो वेट लिस्ट में है या नहीं है, तो वो बता देंगे कि आपकी सिटी वेट लिस्ट मतलब ब्लैक लिस्ट में नहीं है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने एरिया का मतलब कि पिन कोड आपके लिए बताना, तभी आपके लिए वो बता देंगे कि आपकी सिटी ब्लैक लिस्ट में है या नहीं है मतलब ब्लैक लिस्ट में। और तीसरी बात दोस्तों, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, 730 से अगर आपका ऊपर सिविल है तो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनका जितना भी बजट होता है कंपनी का, वो उतना ही बजट आपको शेयर करते हैं, आपका सिविल स्कोर देखते हैं कि आपका सिविल स्कोर कैसा है, कितना क्या है, तभी आपके लिए लोन देते हैं।
बात कर लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, वेट लिस्ट की प्रॉब्लम आखिर सॉल्व कैसे होगी। तो दोस्तों अगर आपके लिए सिंपल पे लेटर में वेट लिस्ट की प्रॉब्लम आ गई है तो आपके लिए एक मेल करनी होगी। जो दोस्तों मेल आप कैसे करेंगे, दोस्तों मेल आपके लिए मिल जाएगी, यहाँ पर आपकी दिखती होगी help@getsimplepay.com। तो इस मेल पर आपके लिए मेल करनी है। मेल में आपके लिए क्या क्या लिखना होगा दोस्तों, अपना नाम, नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोस्तों प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या कि वेट लिस्ट की प्रॉब्लम आ रही है, मुझे मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा। चाहे आप इसका कस्टमर केयर नंबर आपके लिए इस साइड में मिल जाएगा, इस नंबर को भी डाल करके अपने प्रॉब्लम को बता सकते हैं। लेकिन अगर आप मेल करते हैं तो सारी कुछ इन्फॉर्मेशन एक ही मेल में सेंड हो जाएगी, उसके बाद आपके पास एक मतलब कि रिप्लाई में मेल आएगी, उसमें आपके लिए बता दिया जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्व कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वेट लिस्ट की प्रॉब्लम इसीलिए आती है जो मैंने सारी स्टेप बताई, अगर आपकी सारी स्टेप क्लियर होती हैं तो आपके लिए वेट लिस्ट की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी, और अगर आपकी कोई भी स्टेप अगर गड़बड़ है तो आपके लिए वेट लिस्ट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप मैंने आपके लिए वेट लिस्ट के बारे में समझाया, आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे क्लियर करें कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर दोस्तों मैं बता दूंगा कि आपके लिए क्या करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।